नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.14, कह रहे हैं रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वोन्ड राउंड ए हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर पे एक रस्सी लिपटी हुई है, सिलेंडर का मास 3 किलोग्राम दिया है और उसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर दे रखी है। कह रहे हैं व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड बाई ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एंड व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। लीनियर एक्सेलरेशन भी निकालना है। ये कोई सिलेंडर है और उससे एक रोप बंधी हुई है जिसको हम एफ फोर्स लगा के खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये जब सिलेंडर रोटेट करेगा तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा, इसकी रेडियस आर है। तो टॉर्क अगर मैं निकालूँ तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू आर, लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू एल्फा भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं इससे एल्फ़ा की वैल्यू अगर निकालूँ तो हो जाएगा एफ इंटू आर अपॉन आई। एफ की वैल्यू है 30, आर मालूम है 0.4 और सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, हॉलो सिलेंडर कह रखा है इसलिए एम आर स्क्वायर लगा देंगे। तो इसका ये 3 × 4 हो गया और एम की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू 0.4, तो 0.4 × 0.4 इनका डेसिमल हटा दिया, 2 ज़ीरो बढ़ गए, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 400 को कैंसिल कर लिया, जो 25 आ गया, 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। और लीनियर एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू आर एल्फा, आर है 0.4 और एल्फा है 25, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.15, कह रहा है टू मेंटेन ए रोटेटर एट ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड को ही एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, ये 200 रेडियन पर सेकेंड दे रखी है। एन इंजन नीड टू ट्रांसमिट ए टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 180 न्यूटन मीटर। कह रहे व्हाट इज़ द पावर, पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला जो होता है, पावर का फॉर्मूला होता है टाऊ ओमेगा। जैसे पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी हम लोग पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन में फोर्स को टाउ से रिप्लेस करते हैं और वी को ओमेगा से, तो टाउ ओमेगा फॉर्मूला आ जाता है। टाउ की वैल्यू 180 दे रखी है और ओमेगा है 200, तो ये आंसर आ जाएगा 36,000 वाट या 36 किलोवाट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पावर हो गई रोटर की। ये क्वेश्चन नंबर 7.17 है, कह रहे हैं मीटर स्टिक, ये 1 मीटर लंबी कोई स्टिक है, इस बैलेंस ऑन ए नाइफ एज एट इट सेंटर, ठीक है। वो एक नाइफ पे बैलेंस है, वह कह रहा है जब दो कॉइंस, ये मैंने दो कॉइंस बना दिए हैं 5-5 ग्राम की, कह रहा है जब दो कॉइंस 5 ग्राम ईच आर पुट एट द मार्क 12 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर लंबी है तो 12 सेंटीमीटर मार्क पर 2 5-5 ग्राम के कॉइंस रख दिए गए हैं। कह रहे जब दो कॉइंस रख देते हैं द स्टिक इज नाउ बैलेंस एट 45 सेंटीमीटर। कह रहे नाइफ को जब 45 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो ये बैलेंस रहती है। तो कह रहे इस मीटर स्टिक का मास क्या होगा। देखिए मीटर स्टिक का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा और सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड का उसके मिड पॉइंट पे होता है, तो पूरी 1 मीटर है तो 50 सेंटीमीटर पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये पूरी ओ से इस पॉइंट को अगर मैं सी डैश कह दूँ तो ओ से सी डैश तक की डिस्टेंस 45 है और ये 12 है, तो मास से सी डैश की जो डिस्टेंस होगी, तो इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट क्लॉकवाइज की मोमेंट के इक्वल होना चाहिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, मोमेंट मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होना चाहिए मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज। और मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू एफ इंटू आर, एफ वन इंटू आर वन इज इक्वल टू एफ टू इंटू आर टू। एफ वन ये हो जाएगा, आपको मास दिया है 5 + 5 यानी 10 और इसकी जो डिस्टेंस है तो ये 45 थी, ये 12 है, तो 45 में से 12 को माइनस कर देंगे इज इक्वल टू एफ टू हम यानी ये वेट W, और इसकी जो ये डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि टोटल 50 है माइनस 45। तो ये आपका आ गया 10 × 5 − 2 = 3 − 4 − 1 = 3, इधर W × 5 आ गया, 5 से 10 को कैंसिल कर लिया,
तो 66 ग्राम आ गए, जो मीटर स्टिक है उसका मास जो है वो 66 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुप ऑफ रेडियस, एक हुप है 2 मीटर उसकी रेडियस दे रखी है और उसका वेट दिया हुआ है, उसका वेट दिया मास दिया हुआ है 100 किलोग्राम, ठीक है। इट रोल्स अराउंड हॉरिजॉन्टल फ्लो सो दैट इट्स सेंटर ऑफ मास हैज ए स्पीड, सेंटर ऑफ मास की स्पीड दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.2 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन टू स्टॉप इट, उसको रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। देखिए जब हुप रोटेट करेगा, ये हुप है और ये रोटेट करेगा और तो आगे भी बढ़ेगा, रोटेट करेगा इसका मतलब उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, आगे बढ़ रहा है इसलिए इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला इस लेसन में F इंटू W इज इक्वल टू F इंटू R जो होता है, F की जगह यहाँ टाउ यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो वर्क और R की जगह R रहने देते हैं। तो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ये हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को लगा ले रहा हूँ, तो W इज इक्वल टू हाफ आई की जगह हॉलो स्फीयर के लिए हाफ एम आर स्क्वायर रहता है ओमेगा इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम आर ओमेगा वी का फॉर्मूला होता है, तो ये भी वी स्क्वायर हो गया और ये भी वी स्क्वायर है, तो ये आपका आ गया एम वी स्क्वायर। अब इसे वैल्यू रख दे रहे हैं, एम मालूम है 100 और वी की वैल्यू है 0.2, तो 0.04 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 जूल आ गया, ठीक है। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी आपको सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं।